वॉट इज़ लव, एक इंतहाई खूबसूरत सा टॉपिक लेके आपकी खदमत में हाजिर हूँ आज। अच्छा, लव क्या है, प्यार क्या है? हर कोई ये बात ज़रूर पूछता है अपनी लाइफ में, चाहे वह छोटे बच्चे हों यानी कि 18 ईयर्स के हों, 18 ईयर्स के जो न्यू ग्रो कर रहे होते हैं वो 18 ईयर्स के हों, या फिर आप मेच्योर हों। प्यार तो हर कोई करता है, ठीक है, प्यार के रूप अलग होते हैं ये अलग बात है, लेकिन प्यार हर कोई करता है। कोई ऐसा बदकिस्मत इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसने प्यार कभी ना किया, ठीक है। प्यार के रूप अलग होते हैं, लेकिन प्यार होता क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्यार, व्हाट इज़ लव, क्या होता है प्यार, आप बताएं क्या होता है प्यार। प्यार एक एहसास है, एक फीलिंग है, खुशबू है, ये होता है प्यार, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ट्रू लव क्या होता है। अच्छा, ट्रू लव के बारे में मैं आपको आज पूरी डिटेल से बताती हूँ, बहुत आराम से, बहुत सकून से, ठीक है। तो ट्रू लव वो होता है जो आप एक तरफा होते हैं, प्यार हमेशा एक तरफा होता है। अब बदले में आपको प्यार मिला ये आपकी किस्मत है, ठीक है, लेकिन असल प्यार जो कहते हैं ना जिसको ट्रू लव, वो हमेशा एक तरफा ही होता है। आप इस पे मेरी इस बात से मुत्तफिक हूँ ना हूँ, लेकिन असल में ट्रू लव जो होता है ना, वो जो होता है एक तरफा ही प्यार होता है। आप किसी से प्यार करें ये आपका अपना फेल है, कोई आपसे प्यार करे ये उसका फेल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से प्यार करें और कोई भी आपसे प्यार करे बदले में आपको भी रिटर्न में प्यार मिले, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको, आप किसी से प्यार करें और आपको वो रिटर्न में प्यार ना दे, तो क्या आप प्यार करना छोड़ देंगे? सवाल है मेरा ये आपसे, जवाब मुझे ज़रूर दिए कमेंट्स में, छोड़ देंगे आप प्यार करना उससे, ठीक है, छोड़ देंगे ना आप प्यार करना। तो अगर कोई आपसे प्यार नहीं करे तो आप प्यार करना छोड़ देंगे, तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्यार तो नहीं है। ट्रू लव तो कभी नहीं होता, ट्रू लव तो सारी ज़िंदगी मरते दम तक आपके साथ चलता है। आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसको हमेशा खुश देखते हैं, चाहे वो आपके साथ हो ना हो, कहीं पे भी हो, इस दुनिया में हो या इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तभी भी आप उससे प्यार करेंगे, ये होता है ट्रू लव, ठीक है। ट्रू लव को आपकी ज़रूरत नहीं है आपके इजहार की, आपके प्यार की, कुछ नहीं ज़रूरत है उसको, बस वो आपका आपसे प्यार करता रहेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है, ये होता है ट्रू लव। ट्रू लव जो होता है ना, वो आपको स्ट्रांग बनाता है, कमज़ोर नहीं, ठीक है। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको कोई और चीज़ कमज़ोर कर ही नहीं सकती, ठीक है। जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसकी आप नाराज़गी से डरते हैं, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं आप उसकी नाराज़गी से डरते हैं, तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो आप, जिसकी वजह से आपका प्यार हर्ट हो, आपका प्यार नाराज़ हो, वो होता है ट्रू लव। यहाँ लोग रातों को जागते हैं, रातों को मैसेज करते हैं, दिन भर कॉल पे लगे रहते हैं, प्यार है प्यार तो ऐसा नहीं होता, ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। प्यार आपको कमज़ोर नहीं बनाता, प्यार आपको स्ट्रांग करता है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं ना, तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे फाइनेंशियली भी, और इतना अच्छा आप अपना उसका अपना कैरियर बना लेंगे ना, कि आपके जो जिससे प्यार कर रहे हैं वो स्ट्रांगली पूरी दुनिया के सामने कह सकेगा, ये मेरा प्यार है, ये मेरा लव है। ये नहीं कि उसको आपकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि ये है इसका प्यार, ये, ठीक है। तो जो आपसे प्यार करता है ना, वो इन सब चीज़ों का ख्याल करता है, वो आपकी सारी चीज़ों से प्यार करेगा, आपके अच्छे बुरे भले सब चीज़ों से प्यार करेगा। ये नहीं करेगा कि सिर्फ आपसे प्यार कर रहा है, आपकी आपसे प्यार कर रहा है और कह रहा है कि प्यार में हर चीज़ जायज़ है, प्यार में हर चीज़ जायज़ नहीं है, नो नेवर। जंग में तो जायज़ होगा हर चीज़, लेकिन प्यार में हर चीज़ जायज़ नहीं है, प्यार की भी एक लिमिटेशन होती है, सही है, प्यार की भी एक लिमिटेशन होती है, हद होती है। फिज़िकली जो होना प्यार नहीं होता, ये आपकी अंदर का, आपके अंदर का जो गलाजत होती है ना, ये होती है, प्यार नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसको आप तकलीफ़ नहीं देते, ठीक है, उससे आप इतना प्यार करते हैं कि उसकी हर चीज़ से भी प्यार करते हैं। अगर वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग फाइनेंशियली बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को उसके काबिल बनाते हैं, ना कि ये नहीं कि दिन भर रात भर जाग रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ये प्यार हो गया, ये प्यार नहीं है भाई, ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। प्यार ये होता है कि अपने आप को काबिल बनाओ और उसके उसका हाथ मांगो, ठीक है, तो ही ये प्यार होता है। प्यार क्या होता है, अगर प्यार देख के किया जाता है कि लड़की स्ट्रांग है,
तो प्यार करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो प्यार कर लो, बहुत अच्छा बैकग्राउंड अच्छा बन जाएगा। लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो प्यार कर लो। अरे भाई ये प्यार नहीं होता, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस बना लिया आपने। प्यार ये होता है कि आप उसकी हर चीज़ से प्यार करें, हर चीज़ से। अगर वो स्ट्रांग नहीं है या वो इस चीज़ों में दूसरी चीज़ों में है, तो आप उसको, आपको कैसा प्यार है कि आप अपने प्यार को समझा नहीं पा रहे, आप उसको स्ट्रांग नहीं कर पा रहे, आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं। भाई प्यार में जो है हाथें खात कट रहे हैं, प्यार में बेहोश हो रहे हैं, प्यार में मर रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे मरने का। तुम अगर प्यार करते हो किसी से तो अपने आप से तो प्यार करो पहले। तुम अपने आप से ही नहीं प्यार कर रहे हो तो किसी और से क्या प्यार करोगे? किसी और से प्यार करोगे उस वक्त ना जब तक अपने आप से प्यार करोगे। जब अपने आप से ही नहीं प्यार करोगे तो किसी और से प्यार कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखें तो ही आप किसी और से प्यार करेंगे। और प्यार जो है कभी भी कमज़ोर नहीं करता, प्यार हमेशा स्ट्रांग बनाता है। और हमेशा एकतरफा प्यार ही रियल प्यार होता है, ठीक है। आपके प्यार की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूं, माँ, आपकी माँ जो आपकी पैदाइश से पहले से आपसे प्यार कर रही होती है और मरते दम तक आपसे प्यार करती है। वो किसी से ये नहीं बोलती कि मुझे बदले में प्यार दो, नहीं, उसकी फितरत है, वो प्यार करती रहेगी। ऐसे ही जो प्यार करेगा ना, वो फितरी अमल है, प्यार फितरी अमल है। ये हर किसी को नहीं मिलता ना, हर किसी के ये ज़िंदगी में आता है ये, ठीक है। बहुत से लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं जिन्हें ट्रू लव भी मिलता है ना, लेकिन वो उसकी कदर नहीं करते। वो बदनसीब इंसान है जो प्यार की कदर नहीं करता, ठीक है। जिन्होंने प्यार को बिजनेस बना लिया ना, वो बदतरीन और बदनसीब इंसान है। ट्रू लव वो होता है जो आपको स्ट्रांग करता है, आपकी हर चीज़ स्ट्रांग होता है। आप खुशी से आप दुनिया के सामने कह सकें ये है मेरा प्यार, इस काबिल बनो ना। अगर किसी से प्यार करते हो तो इस काबिल बन के दिखाओ ना उसको कि तुम हो, तुम कुछ हो। ये क्या के प्यार कर रहे हैं और चर्सियों की तरह गलियों पड़े हुए, चर्सियों की तरह ये रात भर बातें कर रहे हैं फ़ोन पे। ये प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं है, सॉरी, ये प्यार नहीं है। रात भर जागने से प्यार नहीं हो जाता, रात भर जागेंगे फिर कोई दूसरी आ जाएगी, फिर कोई दूसरी, ये प्यार नहीं है। प्यार जो है वो खुशबू की तरह होता है, दिलों में बसता है, ये प्यार होता है, ठीक है। प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार हो जाता है। ये जो लोग करते हैं ना वो बिजनेस है, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। प्यार और अट्रैक्शन में डिफरेंस करना सीखो, सही है। जो तुमसे प्यार करेगा वो अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा, सबसे पहले वो अपने आप से प्यार करेगा। अगर वो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता तो तुमसे क्या प्यार करेगा? ज़िंदगी भर वो नहीं कर सकता। जो अपने आप से प्यार करे नहीं करेगा वो तुमसे को प्यार नहीं कर सकता। जो अपने आप से प्यार करेगा वो ही तुम्हारे काबिल बनाएगा अपने आप को, कि किसी काबिल बन के तुम्हारा हाथ मांग सके तुम्हारे पेरेंट्स से। ये जो घरों से भागते हैं ये प्यार नहीं होता, ये थोड़े दिन में नशा उतरता है और सब चीज़ें लाइन पे आती हैं। क्योंकि दुनिया में आपको रहना है तो आपको उसी हिसाब से रहना होगा, सही है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने आप को उसके काबिल बनाओ, ताकि उसके साथ वो दुनिया में फ़ख्र से आपको कह सके कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ये नहीं है कि उसके काबिल ही ना बनो, ऐसे ही घूमो कि भाई प्यार नहीं है, प्यार नहीं, बस प्यार 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 करते रहो। लेकिन असल लव्स जो करता है ना, वो प्यार, जो प्यार सही में प्यार करता है, वो अपने आप को इस काबिल बनाता है कि दुनिया के सामने उसको शर्मिंदगी ना हो उसके प्यार को, ठीक है। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपका लव आपको का कहते हुए कि ये मेरा प्यार है शर्मिंदा ना हो, ठीक है। तो अपने आप को काबिल बनाएं इस ऐसे, ठीक है। प्यार आपको स्ट्रांग करता है, कमज़ोर नहीं। जो जाके हाथ काट रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, ये प्यार नहीं है भाई, ये प्यार नहीं है, ठीक है। प्यार जो है खुशबू की तरह होती है। किसी को रेस्ट्रिक्शन में बांध के हुक्म देना, ये प्यार नहीं है। हुक्म की तामील करना भी प्यार नहीं है। प्यार होता है, प्यार दिलों में होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है ना तो आपकी इज्जत करेगा, सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। ज़रा सी भी आपकी तकलीफ़ होगी उसको परेशानी होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे प्यार करे तो उसका इजहार भी करे, इजहार ज़रूरी नहीं है प्यार में, ठीक है। प्यार में इजहार ज़रूर कर, ये नहीं है कि इजहार कोई कर दे तो ये अलग बात है। लेकिन जो आपसे प्यार करेगा ना, सबसे पहले वो आपकी केयर करेगा। केयर ही असल में प्यार होता है। जो ट्रू लव होता है ना, वो केयर ही होता है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।